हेलो फ्रेंड्स, बेस्ट होम मेकर कविता चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, हमने आपको पहले कटिंग की वीडियो बताई थी, अब हम आपको इसकी सिलाई की बता रहे हैं। जैसे देखिए, हमने आपको राउंड गला कटिंग करना बता दिया था, किस तरीके से कट किया था हमने। इसको प्रेस से चिपका के और जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हमने फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसका सेंटर करेंगे इस तरीके से। देखिए, आपको गले को फोल्ड करना है और यहाँ से सेंटर का निशान लगा लेना है, बिल्कुल सेंटर में इस तरीके से। अब ऐसे ही आपको अपनी कुर्ती को लेना है, कुर्ती का फ्रंट पार्ट लेना है और बिल्कुल ये आर्म होल बराबर करके अच्छे से बराबर करना है, वरना अगर आप बराबर नहीं करेंगी तो आपका जो गला है वो छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसलिए आपको ऐसे निशान लगा लेना है। ये निशान आपको सीधी साइड लगाना होगा क्योंकि हम इसे उल्टी साइड पलटेंगे तो सीधी साइड लगेगा ये निशान। अब देखिए, सेंटर में निशान लगाने के बाद अब इसको हम ऐसे सीधा कर देंगे और जो हमने ये राउंड गला कट किया था हम इसको इसके ऊपर रखेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो हमारी स्ट्रेट साइड है उसको आपको बिल्कुल बराबर करके रखना है, और या तो आप इसे पिनअप कर लीजिए या फिर आप इस पर कच्ची सिलाई लगा लीजिए ताकि हमारा जो गला है वो इधर उधर को ना खिसके। तो इन चीज़ों का आपका ध्यान रखना है। तो चलिए, हम यहाँ पे एक कच्ची सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आपको सेंटर में सिलाई लगानी है। अब यहाँ से हम धागे को कट कर देंगे और जो इसका राउंड वाला हिस्सा है अब उसके ऊपर अब हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और पूरे राउंड में हम ऐसे ही घुमाते हुए सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने राउंड में सिलाई लगा दी है। अब उसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारा ये कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा आपको दिख रहा है, इसको अब हम कटिंग कर देंगे थोड़ा थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के। आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जिनको सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती है, तो आप इसी तरीके से मेरे इस चैनल से सिलाई सीख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। तो देखिए, ये कपड़ा मैंने निकाल दिया है। अब उसके बाद अब यहाँ पे हमें छोटे छोटे कट्स लगाने होंगे सिलाई से अलग। कट्स लगाने के बाद अब देखिए, हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे तो इसको हम इस तरीके से पलट देंगे उल्टी साइड को और इसको हम ऐसे मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से। यहां से बिल्कुल बराबर करके पूरे राउंड पे सिलाई लगाएंगे। अब देखिए, सिलाई लगाने के बाद हमारा गला कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब उसके बाद जो इसका जो उल्टा साइड का कपड़ा है, ये देखिए, जो आपको ये वाला कपड़ा दिख रहा है, या तो आप सिलाई लगा लीजिए या तुरपाई कर लीजिए। तो मैं इसके ऊपर तुरपाई कर लूँगी हाथ से। देखिए, हमने ये गला बनाने के बाद इसका तीरा भी ज्वाइंट कर दिया है आपस में, तो आपको भी ऐसे ही करना है। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स तैयार करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हम इस तरीके से कपड़ा लेंगे जो हमने लंबाई में कपड़ा लिया था। तो देखिए, ये कपड़ा लिया है, इस कपड़े को हम पहले फोल्ड कर लेंगे नीचे से। यहाँ से हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर थोड़ा सा और फोल्ड करेंगे। तो इस तरीके से हम इसे पूरा लंबाई है जितनी भी उतनी साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे हम। अब देखिए, पूरा कपड़ा मैंने फोल्ड कर लिया है। उसके बाद हमें अपनी स्लीव्स लेनी है और इस स्लीव्स को ऐसे सीधा रखना है इस तरीके से। सीधा रखने के बाद इस कपड़े को हमें उल्टा रखना है ऐसे, और यहाँ पर हमें प्लेटें डालनी हैं। प्लेटें छोटी छोटी ही डालें क्योंकि जितनी छोटी प्लेट डालेंगी उतनी फिनिशिंग आपकी ज़्यादा आएगी। पहले थोड़ी सी सिलाई लगा लेंगे, सिलाई के जो इसमें सिलाई लगेगी और इस तरीके से इसमें, ये देखिए, प्लेट आपकी बहुत छोटी होनी चाहिए, यानी कि आधा से थोड़ी सी ज़्यादा, आधा इंच से। तो इसको हम भर लेंगे पूरा।
ऐसे सीधा करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमारी स्लीव्स बन जाएगी। ये देखिए, अब उसके बाद आपको क्या करना है, जो इसका ये वाला हिस्सा है यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब देखिए हम इसे अटैच करेंगे बनाने के बाद, तो पहले हम गले को इस तरीके से खोल लेंगे और फिर ये आर्म होल वाली साइड को हम सीधा लेंगे। और देखिए हमने अपनी स्लीव्स को भी बना के तैयार कर लिया है। अब स्लीव्स को इसके ऊपर ऐसे उल्टा रख लेंगे और इस तरीके से बराबर रख के और पूरी स्लीव्स पे हमें सिलाई लगा देनी है बिल्कुल बराबर रख के। स्लीव्स को पूरा लगा लेंगे। अब देखिए स्लीव्स जॉइंट करने के बाद अब इसकी फिटिंग कर लेते हैं। तो फिटिंग के लिए हम यहाँ से तो कम कपड़ा लेंगे, ये वाली साइड से सिर्फ हम 1 इंच कपड़ा लेंगे जो हमने इसमें बिना प्लेटे के रखा था, और यहाँ से अच्छे से पक्का कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम यहाँ से फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। आपकी जितनी भी फिटिंग है उस हिसाब से आप निशान भी लगा सकती हैं। तो हम इस हिसाब से इसकी फिटिंग कर लेंगे दोनों साइड से और फिर इसके चाक फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कुर्ती बन के तैयार हो चुकी है, आप पूरा लुक देख सकती हैं। और ये देखिए ये हमारी स्लीव्स हैं और ये गला है, स्लीव्स भी बहुत अच्छी आई हैं और इस कुर्ती की फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक के कोई पैसे नहीं है। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।